था रजत को शौक। क्या आशिका को पता चल जाएगा रजत और सवी की शादी का सच? किसको लाया रजत अपनी सगाई में? स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में मैं आपको नजर आने वाला है एक और शॉकिंग ट्विस्ट। जी हाँ, क्योंकि रजत होने वाला है एक बार फिर से अपनी सगाई से गायब। ऐसे में रजत बिना बताए सगाई को यूं ही बीच में छोड़कर चला जाएगा, जिसके बाद सवी और उसका परिवार एक बार फिर से रजत की इस हरकत के बाद काफी ही गुस्से में आ जाएंगे। ऐसे में दोनों परिवार रजत को लेकर काफी ही टेंशन में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सवी भी रजत के फिर से गायब होने की वजह से गुस्से में होगी। हालांकि रजत थोड़ी देर बाद वहां आ जाएगा और साथ ही अपने साथ अमन को भी अपने सगाई के फंक्शन में शामिल करने के लिए ले आएगा, जिसके बाद अमन को देखकर सभी और उसके परिवार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा और वो रजत से अमन को वहां लाने के लिए काफी ही खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद रजत मरुणमयी से पूछेगा कि अगर उसे अमन के यहाँ रहने से कोई दिक्कत है तो वो बता सकती है। ऐसे में मरुणमयी अमन को वहां देखकर रोना शुरू कर देती है। ऐसे में अमन वहां से जा ही रहा होगा कि तभी उसे सभी के बाबा यानी कि शांतनु रोक लेते हैं और सगाई में शामिल होने के लिए परमिशन दे देते हैं, जिसके बाद दोनों परिवार करने वाले हैं रजत सवी की गोद धाना रसम, जहां पर ईशा और भाग्यश्री करने वाले हैं एक दूसरे का मुंह मीठा और साथ ही हक करते हुए भी नजर आएंगे, जिसके बाद फाइनली हो जाएगी रजत सवी की सगाई। लेकिन रजत सवी की सगाई इतनी आसानी से हो जाए ये तो कहां ही पॉसिबल है, इसीलिए सगाई में होने वाला है एक और बड़ा हंगामा। जी हाँ, क्योंकि रजत भूल जाएगा सवी के लिए रिंग लाना, जिसके बाद भाग्यश्री रजत से सवी को अपनी रिंग पहनाने के लिए कहेगी तो सवी साफ इनकार कर देगी और साथ ही रजत पर भड़कते हुए भी नजर आएगी, जिसके बाद रजत पहनाने वाला है सवी को सई की दी हुई क्यूट सी रिंग, जो कि काफी ही कलरफुल होगी और सवी भी सई की दी हुई रिंग को काफी ही खुशी के साथ पहनते हुए नजर आएगी, जिसके बाद दोनों की सगाई हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो के अपकमिंग प्रोमो में आपको नजर आने वाला है काफी ही हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, क्योंकि रजत जाने वाला है सई से मिलने, लेकिन वहाँ पर सई करने वाली है एक ऐसी डिमांड जिसे सुनने के बाद रजत काफी ही शॉक्ड नजर आएगा। बता दें कि सई को पता चल जाएगा कि रजत और उसकी परी आंटी जल्दी ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। इसके बाद सई रजत को सभी यानी कि उसकी परी आंटी से शादी करने के लिए साफ इनकार कर देगी। वो रजत से कहेगी कि वो उसे उसकी परी आंटी से दूर नहीं करे, लेकिन ऐसे में सई और रजत की इन बातों को आशिका सुन लेती है, जिसके बाद होने वाली है रजत सवी की शादी को रोकने की कई सारी साजिशें। लेकिन क्या करेगी अब आशिका, कौन सी नई चाल चलेगी रजत सवी की शादी में रुकावट पैदा करने के लिए, ये देखना तो काफी ही इंटरेस्टिंग होगा। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।